हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्या करियर एकेडमी। आज हम लोग CHSL 18 मार्च का शिफ्ट 2 का पेपर कर रहे हैं। और अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हम लोग कोई भी नया वीडियो अपलोड करें तो आपको अपडेट मिलता रहे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन था, फर्स्ट इंडियन फुटबॉल प्लेयर प्लेड फॉर द अदर कंट्री। तो इनका नाम था भाईचुंग भूटिया। ये इनका नाम था भाईचुंग भूटिया। और देखिए, ये इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन आ सकता है कि जैसे कि ये कहाँ के रहने वाले थे। तो ये सिक्किम के रहने वाले थे, भारत में, ठीक है, सिक्किम स्टेट के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हु फाउंडेड ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन दादा भाई नरोजी फाउंड किए थे, ये क्वेश्चन आज आया है। और इनको एक चीज़ और जान जाइए कि दादा भाई नौरोजी को हम लोग ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। तो हो सकता है नेक्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन आ जाए कि हु इज़ कॉल्ड ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। और दादा भाई नौरोजी ही थे जो पहली बार ड्रेन थ्योरी और पॉवर्टी के बारे में एक बुक लिखे थे अंग्रेजों के खिलाफ, कि कैसे वो लोग धन लूट के ले जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेल क्रोमोजोम्स। तो मेल क्रोमोजोम्स ये पता है आपको, XY होता है, और फीमेल क्रोमोजोम्स होता है YY। फीमेल होता है एक्स एक्स, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जब एक्स एक्स कंबाइन होता है तो ये होता है गर्ल, और एक्स वाई होता है तो ये होता है बॉय। इसमें टोटल 23 पेयर्स होते हैं, जिसमें 22 पेयर क्रोमोजोम्स होता है और एक पेयर जो 23वां पेयर है वो सेक्स क्रोमोजोम्स होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द एलोट्रोप्स ऑफ ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट का कार्बन होगा। देखिए एलोट्रोप्स पूछा जा रहा है, जैसे पहले के शिफ्ट में हाइड्रोजन का पूछा गया था, जिसका ड्यूटोरियम से क्वेश्चन आया था, मास नंबर, एटॉमिक नंबर, डाइटोरियम, टेटोरियम, ये सब एलोट्रोप्स हर एक एलिमेंट का जो इंपॉर्टेंट है वो आपको देखना होगा। तो इसे आज पूछा गया ग्रेफाइट का। काशी विश्वविद्यालय कब बना था, ये 1916 में बना था। आज का क्वेश्चन था, इससे रिलेटेड फैक्ट देख लीजिए कि ये मदन मोहन मालवीय बनवाए थे। तो हो सकता है नेक्स्ट में आ जाए कि कौन इस यूनिवर्सिटी का कौन स्थापक था, इस्टेब्लिश किए थे, तो ये मदन मोहन मालवीय, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु वॉज द फर्स्ट रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया। इसका आंसर है आर ए गोपाला स्वामी। ये SSC CGL में क्वेश्चन आ चुका है पहले। डिस्कवरी ऑफ अमेरिका कोलंबस, ये भी SSC का क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर, तो आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू प्लैनेट विच डज नॉट हैव द नेचुरल सेटेलाइट। तो इसमें मरकरी और वेनस है, जिसके पास कोई सेटेलाइट नहीं है। उसी तरह अर्थ के पास अपना एक सेटेलाइट है, नेचुरल सेटेलाइट, उसको बोलते हैं मून। उसी तरह जुपिटर के पास भी है, जुपिटर के पास टोटल 63 है। तो आप सब प्लैनेट का देख लीजिए कि नेचुरल सेटेलाइट किसके पास कितना है, क्योंकि क्वेश्चन जब आ रहा है तो इससे आ सकता है। नेचुरल प्रेस स्टार्टेड बाई, सबसे पहला जो प्रेस का जनक थे वो थे राजा राम मोहन रॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पीड ऑफ साउंड पूछा है, तो 331 मीटर पर सेकेंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्ल्ड फर्स्ट कार्बन फ्री सिटी। तो देखिए, जो आज का ऑप्शन मौजूद था उसके अनुसार आंसर होगा न्यू कास्टल, ठीक है। मगर ये मसदर सिटी जो है, ये भी वर्ल्ड फर्स्ट कार्बन सिटी फ्री सिटी में आता है। तो ये ऑप्शन अधिक, अगर मसदर सिटी हो तो मसदर सिटी ही मारेंगे, क्योंकि अगर ऑप्शन नहीं है तब न्यू कास्टल मारेंगे, ठीक है। ये कहाँ पर है, अबू धाबी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वन क्वेश्चन रिलेटेड टू गंगा, और गंगा से क्वेश्चन ये था कि इंडिया का सबसे बड़ा नदी, जो सबसे ज़्यादा वाटर ऑक्यूपाई करने वाला नदी, तो वो है गंगा। गंगा से रिलेटेड अधिक क्वेश्चन आ गया था, और बाकी सब रिवर से रिलेटेड आप लोग देख लीजिए। गंगा कहाँ से निकलती है, गंगोत्री से निकलती है। इसका ट्रिब्यूटरी देख लीजिए, जैसे घाघरा हुआ, सोन हुआ, काली हुई, यमुना हुआ, ये सब गंगा की ट्रिब्यूटरी हैं। नेक्स्ट देखते हैं। होम रूल स्टार्टेड बाई, तो ये बाल गंगाधर तिलक द्वारा चालू किया गया था। अमर्त्य सेन गिवेन नोबल इन विच फील्ड, तो ये पता होगा सबको कि इकोनॉमिक्स में इनको नोबल दिया गया था। और ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वीन विक्टोरिया बिकम द क्वीन ऑफ इंडिया इन विच ईयर। तो देखिए, 1857 के क्रांति के बाद 1858 में जितना इंडिया का पावर था वो सब क्वीन विक्टोरिया के हाथ में चला गया था, ट्रांसफर हुआ था पावर, उसी समय से वो इंडिया की क्वीन भी बन गई थी। देखिए, एक और क्वेश्चन आया है, असगरी भाई रिलेटेड टू विच फील्ड। असगरी भाई जो थी ये सिंगर थी, ध्रुपद सिंगर, इंडियन ध्रुपद सिंगर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एशिया नोबल, एशिया का नोबल किसको बोलते हैं, तो ये
रमन मगसेसे अवार्ड को बोलते हैं। ये क्वेश्चन आज का था कि एशिया का नोबल किसको बोलते हैं। ये पहले भी नोबल से फर्स्ट शिफ्ट में भी क्वेश्चन आया है या फिर पीछे भी क्वेश्चन आ चुका है। और एक चीज़ और, जो फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन कुछ छूटा होगा, इस शिफ्ट में हम उसको कवर करेंगे। कंट्री क्या होगा, ये इस कहाँ पर दिया जाता है, फिलीपींस कंट्री के द्वारा इसको दिया जाता है, ठीक है। फर्स्ट अवार्डेड अवार्ड कब हुआ था, 1858 में, और ये देख लिए 2017 में इतने लोग को दिया गया है। 16 में एक आदमी को मिला है इंडिया में, थुदर मदुबुसी कृष्णा, तो ये याद कर लीजिएगा। और 2017 में जो भी जिनको जिनको मिला, इसलिए कि इससे क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मिस वर्ल्ड कंटेस्ट स्टार्टेड इन विच ईयर, तो ये 29 जुलाई 1951 को चालू हुआ था। मिस वर्ल्ड 2017 एडिशन ऑफ मिस वर्ल्ड पिगमेंट वाज हेल्ड इन 18 नवंबर 2017 एट सन्या सिटी इन चाइना। तो अभी तक ये नहीं पूछा गया है कि किस कंट्री में इस पिछले साल का मिस वर्ल्ड हुआ था, वो हुआ था चाइना में, और उसका विजेता भी भारत ही रहा था, मुंशी चिल्लर। एक और चीज़ आप लोग देख लीजिए कि भारत जो है, एक दो कंट्री ऐसा है जिसमें वर्ल्ड कंटेस्ट में छः छः विजेता रह चुके हैं। तो एक तो भारत है जिसको छः, सबसे ऊपर में भारत ही है अभी, जिसके पास छः मिस वर्ल्ड बनी थी। तो 1966 का जो सबसे पहला मिस वर्ल्ड भारत की बनी थी, वो थी रीता फरिया, ठीक है। अब देखिए इसके बारे में और कुछ भी जान लीजिए कि इसका एक शिफ्ट में क्वेश्चन आया है कि प्राइज मनी मिस वर्ल्ड का कितना होता है, तो ये 50,000 पाउंड होता है। अब नेक्स्ट शिफ्ट में ये आ सकता है कि हेड क्वार्टर कहाँ पर है, लंदन में, ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, या फिर प्रेसिडेंट कौन है अभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ प्लाज्मा इन आवर ब्लड, तो ब्लड में जो परसेंटेज होता है प्लाज्मा का, वो होता है 60% अप्रोक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म HDI, देखिए हर हर एग्जाम में एक फुल फॉर्म आ रहा है, तो आप लोग को सारा फुल फॉर्म याद करना होगा। HDI का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, उससे रिलेटेड फैक्ट देख लीजिए। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वॉज डेवलप्ड बाई पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट महबूब उल हक, ये महबूब उल हक है जिन्होंने ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को पहली बार डिस्कवर किया था, डेवलप्ड किया था। और एक चीज़ करेंट से लिंक करके देख लीजिए, इंडिया रैंक 131 ऑन द डेवलपमेंट इंडेक्स। इंडिया का पिछले साल का रैंक था 131, और उसमें नॉर्वे जो था वो नंबर वन पर था ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में। तो ये 2017 का है, ये करेंट से लिंक्ड है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन प्रोडक्शन ऑफ सेरीकल्चर, तो ये दो है, ठीक है। सेरीकल्चर में प्रोडक्शन, जिसमें रेशम का धागा सिल्क बोला जाता है, द सेरीकल्चर और द सिल्क फार्मिंग इज कल्टिवेशन सिल्क वर्म फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क। चाइना एंड इंडिया आर द टू मेन प्रोड्यूसर विद द 60% वर्ल्ड एनुअल प्रोडक्शन। तो चाइना और इंडिया जो है, ये वर्ल्ड का 60% सिल्क प्रोडक्शन करता है, जिसमें चाइना नंबर वन पर है, इंडिया नंबर टू पर है, एंड उज्बेकिस्तान नंबर तीन पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्पीड ऑफ साउंड मैक्सिमम इन विच एलिमेंट, तो ऑप्शन के अनुसार आयरन में मैक्सिमम था। ग्रेवियार्ड ऑफ RBC किसको बोलते हैं, स्प्लीन को बोलते हैं। इसमें होता क्या है, स्प्लीन में जो बच्चा पैदा होता है, इसमें उसमें स्प्लीन को ब्लड बैंक भी बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पर खून, जैसे जैसे हम लोग का RBC डेट होता है तो वो स्प्लीन में जाके इकट्ठा हो जाता है, मगर वहाँ से जब बॉडी को ज़रूरत पड़ता है तो वो उसी डेड सेल को एक्टिवेट करता है, वो खून में कन्वर्ट करता है। तो अगर ये पूछा जाए कि ग्रेवियार्ड ऑफ RBC, तो ये स्प्लीन बोला जाए, और इसको ब्लड बैंक भी बोलते हैं। मूर्ति देवी अवार्ड गिवेन इन विच फील्ड, ये तीसरी बार मूर्ति देवी से अवार्ड है, अवार्ड से क्वेश्चन आ रहा है 2018 में CHSL से। इससे पहले अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके देखिए, क्योंकि उसमें भी मूर्ति देवी अवार्ड के बारे में हम बता चुके हैं पहले। तो इसमें आया था किस फील्ड में दिया जाता है, ये ऑथर, लेखक, लिटरेरी वर्क और ऑथर जो होते हैं उन लोग को दिया जाता है। देखिए इसका पहला विनर कौन थे, KC नागा राजा राव। इस्टेब्लिश कब हुआ था, 1983 में, करेंटली हेल्ड बाई जॉय गोस्वामी। ये सारा कुछ हम बता चुके हैं। लास्ट अवार्डेड 2017 में दिया गया है, अवार्डेड फॉर लिटरेरी वर्क इन इंडिया, ठीक है, ये हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, एशिया ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज कहाँ पर है, तो मुंबई का स्टॉक एक्सचेंज जो है वो एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। अकॉर्डिंग टू द फॉरेस्ट रिपोर्ट ऑफ 2011, विच स्टेट हैज द मैक्सिमम फॉरेस्ट, तो ये सबको पता होगा, स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश है द लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर्ड इन द कंट्री, तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। और
उसको फॉलो करता है अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश जो है सेकंड नंबर पर है। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल।